हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकबाल सरज एकेडमी। आई होप यू गाइस आर फाइन। एक फ्रेश जॉब अपडेट लेकर आ चुका हूँ आप सबके लिए। जम्मू एंड कश्मीर न्यू गवर्नमेंट जॉब्स 2023 क्लस्टर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये न्यू पोस्ट्स आउट कर दी गई है। 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पास बहुत जॉब्स रहने वाली है। नॉन टीचिंग टीचर, लाइब्रेरियन, ड्राइवर, असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत सारे पोस्ट आउट है। अब हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या रखी गई है, सैलरी क्या है, सारा कुछ आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बस आप वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आउट कर दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सअप के एंड टेलीग्राम चैनल की लिंक्स मिल जाएगी। आप उन लिंक्स पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और जिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ ही दिन पहले हमने फेसबुक पेज भी बनाया है, तो फेसबुक पेज की लिंक भी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए और ज्वाइन कीजिए। सो बिना देर किए करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट। वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक कर दे, कॉमेंट कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर 28 क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहला जो पोस्ट है, नेम ऑफ द पोस्ट वो है सेक्शन ऑफिसर ग्रुप बी लेवल 7 यहाँ पे रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 आउट कर दी गई, वो भी OBC के लिए है। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो पे लेवल यहाँ पे 7 रहने वाली है, ग्रुप बी, नंबर ऑफ पोस्ट 1 आउट कर दी गई है, वो है PWBD के लिए। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे, ग्रुप बी लेवल 6 नंबर ऑफ पोस्ट 2 आउट कर दी गई, UR के लिए 1 एंड OBC के लिए 1। ठीक है, असिस्टेंट की बात करेंगे तो नाम बी ग्रुप बी एंड 6 लेवल जो है यहाँ पे सैलरी है, UR के लिए जो है यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 आउट कर दी गई। जूनियर इंजीनियर सेवल की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप बी रहने वाला है लेवल 6, 1 नंबर ऑफ पोस्ट आउट कर दी गई है, वो है UR के लिए। स्टैटिकल असिस्टेंट की बात करेंगे तो ग्रुप सी पे लेवल जो है यहाँ पे 5 रहने वाली है, UR के लिए है ये पोस्ट, तो 1 नंबर ऑफ पोस्ट आउट कर दी गई। अपर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे तो ग्रुप सी यहाँ पे लेवल जो है वो 4 रहने वाली है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 1 आउट कर दी गई, PWBD HHBL के लिए। लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट जो है 3, UR के लिए 1, EWS के लिए 1 एंड SC के लिए 1। ठीक है, और ST के लिए 1, OBC के लिए 1, PW के 2, नंबर ऑफ पोस्ट 8 आउट कर दी गई। ड्राइवर की बात करेंगे तो लेवल जो है यहाँ पे 2 रहने वाली है, ग्रुप सी के लिए पोस्ट है, 2 नंबर ऑफ पोस्ट आउट कर दी गई। लास्ट में यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट की बात करेंगे तो नंबर ऑफ पोस्ट 1 आउट कर दी गई है, लेवल जो है यहाँ पे 1 रहने वाला है एंड ग्रुप सी। अब जो है यहाँ पे आपको कब अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके वेबसाइट जो है, इनकी वेबसाइट वहाँ पर आपको जाना है और द पोर्टल लिंक फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल रिमेन ओपन 30 मार्च 2023 10 बजे से लेकर 29 अप्रैल 2023 तक आप यहां पे अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 1000 रुपी का यहां पे जो है यहां पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, नॉन टीचिंग पोस्ट्स है ये, और यहां पे देखेंगे एज लिमिट क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। सेक्शन ऑफिसर की बात करेंगे, 40 ईयर्स की यहां पे एज लिमिट रखी गई है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से एंड 3 ईयर्स की आपको इसमें एक्सपीरियंस होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्रेटरी की बात करेंगे तो एज लिमिट 40 है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, 3 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, इंग्लिश हिंदी स्ट्रोनोग्राफी की स्पीड 120 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 100 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होनी चाहिए, स्किल टेस्ट होनी चाहिए आपको बहुत ही अच्छा। पर्सनल असिस्टेंट की बात करेंगे तो 40 ईयर्स की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इस डिसिप्लिन में, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको स्टेनोग्राफी में, जो मिनिमम स्पीड रहती है आपकी 100 वर्ड्स पर मिनट वो हिंदी और इंग्लिश की होनी चाहिए, 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको स्टेनोग्राफी में। ठीक है, उसके बाद असिस्टेंट की बात करेंगे तो 35 यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एंड 4 ईयर्स की यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर सिविल की तो 40 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है और यहाँ पे किसी भी जो है सिविल इंजीनियरिंग में आपको बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए एंड या डिप्लोमा होनी चाहिए एंड किसी भी आपको अच्छे जो है प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी से आपको प्राइवेट जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, स्टैटिकल असिस्टेंट की बात करेंगे 35 की यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और स्टैटिक्स में, मैथमेटिक्स में, इकोनॉमिक्स में या कॉमर्स में। ठीक है, अपर डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे 40 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपको एंड 2 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। ठीक है, डिवीजन क्लर्क की बात करेंगे तो 40 ईयर्स की एज लिमिट है,
बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, एंड इंग्लिश टाइपिंग जो है आपकी जो 35 वर्ड्स पर मिनट, और हिंदी टाइपिंग एट द रेट 30 वर्ड्स पर मिनट यहाँ पे होनी चाहिए, एंड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपको कंप्यूटर ऑपरेशन में, ठीक है। ड्राइवर की बात करेंगे तो 40 ईयर्स यहाँ पे 10th पास जो है आपको होना चाहिए, एंड वैलिड आपको ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, एंड बाकी आपको नॉलेज होनी चाहिए आपको ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स में, ठीक है। लास्ट में लाइब्रेरियन की बात करेंगे तो 35 की यहाँ पे एज लिमिट रखी है, 10+2 होना चाहिए आपको किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए आपको लाइब्रेरी साइंस में, एंड 1 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए, एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है ये मैंने बताया कब आपको अप्लाई करना है और कैसे आपको अप्लाई करना है, इनकी वेबसाइट है वहाँ पे आप जाकर अभी से जो है अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। 29 अप्रैल को यहाँ पे लास्ट डेट रखा गया है। बाकी जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है 1000 रुपी है, और बाकी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी यहाँ पर फ़ी नहीं है, ठीक है। और नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं एग्ज़ामिनेशन कौन कौन सा है। तो 2 टायर एग्ज़ामिनेशन टेस्ट्स होते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। रिटन एग्जामिनेशन होगा आपका, तो यहाँ पे जो है सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड डोमेन वगैरह ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। स्किल एंड अप्लाइड टेस्ट 20 मार्क्स उसके भी होंगे, बाकी एक्सपीरियंस मैक्सिमम मार्क्स उसके भी होंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट आपको इस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगो, ये अपडेट अच्छा लगो। इसी तरह के डेली अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।